हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुएल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ट। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ई रिक्शा के कंट्रोलर को कैसे आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ई रिक्शा के कंट्रोलर मेरे हाथों में है एक, आप चाहे देख लीजिए इसको ध्यान से। ई रिक्शा का कंट्रोलर ये है, तो इसको आप कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो इसके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंस रहते हैं, क्या रहते हैं ना रहते हैं, तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि मेरे चैनल पर नया है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के जितना हो सके आपका फैन के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में और भी लोगों के पास पता चले कि हाँ इधर में ऑनलाइन में ही ई रिक्शा के कंट्रोलर को रिपेयरिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम पूरा स्क्रू निकाल दिए, पीछे वाले स्क्रू आपको नहीं निकलना है, जो सामने वाले स्क्रू है उसको आप निकाल दीजिए। तो सेम ही स्क्रू है, कुछ अलग नहीं है, तो इसको आप निकाल दीजिए। तो हाँ दोस्तों, मैं कोई बिहारी नहीं हूँ, मेरे हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट्स में जाकर मत बताइए कि क्या भाई तुम हिंदी से नहीं पहले जाकर हिंदी सीख के आओ, इस बात आप नहीं बताइएगा। मेरा कोई भूल हुआ नहीं, गलती हुआ तो उसको आप बोल दीजिए कि ये बात नहीं है भाई, ये बताओ। तो देख सकते हैं हम इसको पूरा इसको निकल दिया, इसको हम ओपन करते हैं। आपको इसको ध्यान से ओपन करना है, धीरे से। इसके अंदर देखिए कितनी मोटी हीट सिंक कंपनी ने को इनवाइट किया है कि क्योंकि जो हमारा आईसी है वो हीटिंग के वजह से बास्ट ना हो जाए, इसलिए इतना मोटा सा हीट सिंक इसमें प्रोवाइड किया है। बहुत ही मोटे से हीट सिंक है, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। इसके भी और भी जानकारी आपको पता चल रही है कि इसलिए मोटा है, एलुमिनियम है या लोहा है। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताऊँगा नहीं, दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो जो देखिए ये जो कॉन्डेंसर है, मेन कॉन्डेंसर, इसके अंदर हम करंट पास करते हैं, तो इससे आपको चेक करना सिखाऊंगा। उसके बाद देखिए जो आईसी यानी मॉसफेट है, इसको आप चेक करना दिखाऊंगा, यही दोनों काम दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले खोलने से पहले आप देख ले इसको ध्यान से कि इसमें जो फटा फूला हुआ क्या फटा हुआ आपको मिले तो उसको तुरंत से आपको चेंज करना है। तो इधर पर देख सकते हैं दोनों साइड पर सेम प्रोसेस है, कोई फटा हुआ कोई फूला हुआ कुछ भी नहीं आईसी। तो हम इसको क्या करते हैं, इनमें से कौन सी कॉम्पिटेंस ख़राब हुआ हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने का बाद देखिए इधर पे एक आप लोगों को आपको लाएगा मल्टीमीटर, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से 150 से 200 रुपये के आसपास। तो इस मल्टीमीटर को हम कॉन्टीन्यूटी मेज़र पे रखते हैं। तो कॉन्टीन्यूटी मेज़र पे रखने के बाद ये इधर पे देख सकते हैं दो काठी है, यानी इसको आप शॉर्ट करते हैं तो बीप की आवाज़ निकलते है। फिर से हम टच करते हैं तो बीप की आवाज़ निकलता है। तो इसको हम चेक करेंगे। इधर पे जो देखिए एक कॉन्डेंसर है, दो कॉन्डेंसर, तीन कॉन्डेंसर है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो मीटर पे आप ध्यान से देखिए थोड़ा, तो देखिए ये मीटर हमारा जो कॉन्डेंसर है सही है, बीप कर रहा है पहले, माने पहले चार्जिंग हो रहा है उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए सही है, ये कॉन्डेंसर हमारा सही है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो थोड़ा सा उल्टी कर लेते हैं हम उसको, ये भी सही है कॉन्डेंसर, इसको हम चेक करते हैं। देखिए एक बार चार्ज होगा एक बार डिस्चार्ज होगा, मतलब ये हमारा जो कॉम्पिटेंस है सही है। उसके बाद देखिए हमारा जो टेन टेस्टर है, ये बहुत सारे टेन टेस्टर है, इसको हम चेक करते हैं। दोनों साइड में टेन टेस्टर लगा हुआ, ये जो आपको दिखाया पहले इसको चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए इनमें से जो भी आप चेक करेंगे तो उसमें एक ही वैल्यू शो होगा, तो हम इसको पहले को मिडिल पॉइंट पे रखते हैं, एक साइड पे रखते हैं। तो मीटर पे आप देख लीजिए ध्यान से थोड़ा, इसको मिडिल पॉइंट पे रखते हैं, एक पिंट और एक पिंट साइड पे रखते हैं। तो देखिए 412 आ रहा है, 12 के आसपास, 10-11 इसमें देखिए वही आ रहा है 10-12। दो एक पॉइंट कोई मतलब नहीं, कारण का चीज़ कोई भी वो बात नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है,
ये भी सही है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चले। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप करेगा तो आपको टिप्स, आपको ये वीडियो देखना बेकार हो जाएगा पूरा वीडियो। तो इसको हम चेक किया तो इसको भी चेक करते हैं, ये भी सही है, एक ही वैल्यू शो हो रहा है। सही नहीं है भाई, देखिए ये कुछ अलग वैल्यू शो हो रहा है ज़्यादा कुछ। तो इसमें हम दोनों साइड में पॉइंट में देखते हैं तो इसमें कुछ अलग वैल्यू आ रहा है और इनमें से कुछ अलग वैल्यू। ये देखिए सही नहीं है हमारा। तो उसके बाद जो देखिए नीचे वाले हमारा ये है, इन ग्रुप में है ये जो आईसी रहते हैं टेंडेस्ट आईसी, ये और ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, चार चार में एक ग्रुप बनता है इसका। तो हम इसको हम चेक करते हैं। एक पिन में साइड पे लिया, देखे बीप कर रहा है। ये देखिए जिधर भी हम टच करते हैं मीटर, अलग अलग वैल्यू शो होता है और बीप करता है ये मीटर पे। तो इसका मतलब है इन ग्रुप में इस चार ही मॉस्फेट आपका जो खराब है इन ग्रुप में। तो इसको हम चेक करते हैं, देखिए एक ही वैल्यू शो हो रहा है इसमें। तो इसमें भी कुछ खराबी है, तो इस ग्रुप में भी कोई एक दो का आरसी कट गया है। तो इस ग्रुप में हम चेक करते हैं, तो इस ग्रुप में अच्छी से आप देखिए इसमें एक ही वैल्यू शो होगा। देखिए जो ये पिन है, सर्किट है आईसी का, वो एक ही पिन में शॉर्ट हुआ है। ये देखिए दो पिन माने मतलब देखिए कि इसका जो ग्रुप है, एक ग्रुप में एक कटेगा तो आपको लगेगा पूरा ही बर्बाद हुआ है। तो आपको इसलिए सबसे पहले आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना पड़ेगा, जो इस तरह का देख सकते हैं आप इधर पे दो वायर है ब्लैक और रेड। आप लोगों को पहले वीडियो में बताया इसमें आप बैटरी डीसी 40 वोल्ट इनपुट करके आपको इसमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं इधर साइड का जो हमारा मॉस्फेट है, ये हमारा सही है आईसी है, टेंटेस्टर ऐसी है, सही है। तो इस तरह का है, इस साइड में है, ये कुछ अलग ही वैल्यू शो हो रहा है। तो इसमें से कौन सी हमारा काटा हुआ है, हम इसमें चेक करने के लिए वोल्टेज मेजरमेंट करना। हाँ दोस्तों, वीडियो को थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक की काली बटन को दबा कर नीली कर देना, और हमारे चैनल आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि और भी लोगों के पास।